दोनों सदन नहीं चले, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चली। उसका कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री मिस्टर अनंत कुमार हेगड़े ने स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट एमपी के रूप में बहुत आते थे, आपत्तिजनक स्टेटमेंट आते थे और शायद उन्हीं आपत्तिजनक स्टेटमेंटों के कारण भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उनको मंत्री का पद दिया इनाम में। लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती थी कि मंत्रिमंडल में आने के बाद वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि एक केंद्रीय मंत्री के सर केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जो आपत्तिजनक बातें एक पब्लिक मीटिंग में कही हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, वो बहुत ही आपत्तिजनक। एक तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में इसलिए लाया गया है और सत्ता में वो इसलिए आई है कि उन्हें भारत का संविधान तब्दील करना। दूसरा आपत्तिजनक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने भाषण में कि वो लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, सेकुलर समझते हैं या सेकुलरिज्म पे विश्वास है, उनकी पेरेंटेज का ही पता नहीं। अब ये हमारा पेरेंटेज लीनिएज, मतलब उनका बाप माँ कौन था, तो सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्तंभ है। और जो मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान पे एमपी के रूप में शपथ ले और बाद में राष्ट्रपति के हाथों वहाँ मंत्रिमंडल में शामिल होने का कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे शपथ ले और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं हो, तो मूल सवाल है जो हमने मैंने भी सदन में उठाया है कि क्या एक मेंबर पार्लियामेंट, क्या एक मंत्री सरकार में रहते हुए ये कह सकता है कि उसे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं। तो जिस मंत्री को भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं है और संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं प्रीएम्बल में विशेष रूप से, उन्हीं पर विश्वास नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में रह सकता है कि नहीं? ये बुनियादी क्वेश्चन। सरकार ने कहा कि सरकार इसका सहमत नहीं। लेकिन सरकार की सहमति और असहमति का सवाल नहीं, सरकार ने तो ये कहा नहीं, ये एक व्यक्ति ने कहा, एक मंत्री ने कहा। उस मंत्री को सदन में आना चाहिए, वो सदन में था, भाग गए। उसको दोनों सदनों में देश से, जनता से, पार्लियामेंट से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक बड़ी गलत परंपरा इस देश में बनी है कि रूलिंग पार्टीज के एमपीज जो भी चाहें, जब चाहें
ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इलेक्शन के बगैर, इलेक्शन के बाहर, इलेक्शन के अलावा, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। कई ऐसे मंत्री हैं जो स्टेटमेंट देते रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारा शुरू से ही मानना है कि ये सबका साथ, सबका हाथ खाली दिखावा है, ये खाली बोलने के लिए है, लेकिन काम इसके विपरीत हो रहा है, इसके उल्ट हो रहा है। सो वट एवर मिस्टर अनंत कुमार हेगड़े हैज सेड इन वाइल एड्रेसिंग हिज पार्टी मैन, द एंटायर हाउस, एंटायर अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज हैव ह्यूज रिजेंटमेंट, दिस इज ह्यूज रिजेंटमेंट इन बोथ द हाउसेज, एंड आई एम श्योर द रिजेंटमेंट शुड बी एंड इज अक्रॉस द कंट्री। It is not the concern of the parliamentarians only. Every Indian should be concerned about this. If any minister who has taken oath as member of parliament and as union minister in the name of the constitution and does not believe in the constitution, does not believe in the preamble of the constitution, how can he or she remain a minister? So here is an example of Mr. Hegde. He doesn't believe in the Constitution of India. He doesn't believe in the preamble of the Constitution of India. Should he remain in Union Council of Ministers? So we as opposition parties, we are of the view, we are of the opinion that any minister who does not believe in the Constitution of India should have no place in the Council of Ministers in the Government of India. So it is for the Honorable Prime Minister. Now we have raised this issue inside the House. I have raised this issue on behalf of my party. Other opposition leaders have raised this issue. And we have taken up this issue with Honorable Chairman. I am sure the Lok Sabha people also must have taken this issue with Honorable Speaker. The government has asked us to give time till tomorrow. So we have agreed, let the government decide. Either this minister should come in the house, in the, both the houses, and apologize. We have sought the apology from the minister concerned who has uttered these words. And the apology should be not to only parliamentarians, but apology should be to the entire nation, because this constitution, Indian constitution, is applicable to each and every citizen of India, irrespective of caste, religion. Our Honorable Prime Minister should take decision whether such people should continue in the government or not. Thank you. अगर उस समय नहीं माने तो क्या करेंगे? Yeah, you know, this is personal view only. This is the person, this is the view, opinion of the entire opposition. And this is the view the entire opposition has taken, and this is the view which they have expressed before Honorable Chairman, that they want to seek apology from the member and the minister concerned.